सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21 फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है, आपके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन है एंड रिकॉर्डिंग ऑन है, आपके फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसकी फाइल कहाँ पे सेव होती है एंड इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। जो कि आपके फोन में अगर कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो उसकी फाइल कहाँ पे सेव होती है एंड कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फाइनली इस वीडियो में डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूं, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21 फोन के कॉल रिकॉर्डिंग फाइल सेव के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माय YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोग को बताने वाला हूं वीवो के Y21 फोन के कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में, जो कि अगर आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है एंड कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो आपकी फाइल कहां पे सेव होती है। जो कि फाइल के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं, जो फाइल होती है आपकी कहां पे सेव होती है। तो जैसे कि यहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग क्या होता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप कहां से ऑन करोगे एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लोगे अगर आपके पास कोई भी फोन आएगा तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो कि ऑटोमेटिक से होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो एंड फाइल कहां पे सेव होगी उसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूं। तो फाइनली आपको चल के बताता हूं सबसे पहले यहां पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आपको आना अपने गूगल डायलर में एंड गूगल डायलर में आने के बाद आपको 3-dot ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा, सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आपको मिल जाएगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग एंड डिलीट वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल को ऑन करना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक कर देना, ऑलवेज रिकॉर्ड पे आप जैसे क्लिक कर देते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर को चूज कर लेना है, जो भी आपको नंबर यहाँ पे रखना है रख सकते हैं एंड अगर आपके फोन में नंबर सेव नहीं है उसका अगर कॉल आता है तो आपका ऑटोमेटिक कॉल स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसे आप कर सकते हो, अपने फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। फाइनली ये हो चुका आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एंड आपको बताने वाला हूं आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो उसकी फाइल कहां पे सेव होती है। तो इसके लिए आपको आना है यहां पे अपने फाइल मैनेजर में, यहां पे आपको मिल जाएगा गूगल का फाइल मैनेजर, उस पर आना। उसके बाद आपको आना है यहां पे इंटरनेट में, उसके बाद आपको नीचे आना है। इंटरनेट में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहां पे आपको मिल जाते हैं एक फोल्डर, इसके अंदर मिल जाएंगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं इस वाले फोल्डर में अगर आप जाते हो एंड यहाँ पे रिकॉर्ड 16 जून, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। फाइनली इसके अंदर आपको कोई रिकॉर्डिंग फाइल नहीं मिलता एंड इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग जो फाइल होती है सेव भी नहीं होता है एंड ये होता है तो कहाँ पर होता है फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं, अगर आप अपना कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल खोजते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग होती है अगर हमारे फोन में तो ये सेव कहां पे होती है, इसके लिए हम कंफ्यूज हैं एंड आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इस के कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में आप लोग बता रहा हूँ ये कहाँ पे आपकी सेव होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम डायल में आते हैं एंड यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करके दिखाता हूं, 198 198 आप डायल करते हैं एंड इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कहां पे सेव होती है। अब यहां पे मैं डायल करके यहां पे रिकॉर्डिंग ऑन करने वाला हूं। जैसे कि मेरे फोन में ये डायल हो चुका, उसके बाद हम यहां पे रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं एंड मेरे फोन में ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हो रहा आप देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो कि कुछ मिनट का यहाँ पे कुछ सेकंड का रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। कितने सेकंड का करने वाले हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे कहाँ पे हमारी जो फाइल होती है सेव हो जाती है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद कर दें, स्टॉप कर दें एंड कॉल को कट करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कहाँ पे सेव होती है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे सेव के बारे में, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है एंड ये सेव कहाँ पे होती है एंड हम जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमारे
गूगल फाइल में जाते हैं और इसके अंदर हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी यहाँ पे तो सेव नहीं हुई है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग थी यहाँ पे तो सेव नहीं हुई है, लेकिन ये सेव हुआ तो कहाँ पे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप डायलर में एंड उसके बाद आप जो नंबर को डायल किए थे उसी नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग फाइल। तो मैं यहाँ पर आपको सुनाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है एंड इस तरीके से आपका जिस नंबर पे आप कॉल करेंगे उसी नंबर के अंदर आपका कॉल रिकॉर्डिंग फाइल सेव होता है एंड यहां से आप शेयर भी कर सकते हो किसी को एंड यहां से आप अपने फोन में इसे सुन भी सकते हो। अगर आपको यहां पे इसे सुनना है तो यहां से आप सुन सकते हो। फाइनली इसी जहां से आप शेयर भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ये यहीं पर सेव होती है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग फाइल। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया वीवो के Y21 फोन में आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो यहीं पे फाइल सेव हो जाती है। तो फाइनली मैंने आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बता दिया कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि वीवो के Y21 फोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग होती थी एंड इसमें कहां पे सेव होती थी, फाइनली मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। एंड यहां पे आप लोग को बताया एक चीज और है, जो कि यहां पे आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाबा दोस्तों।